अगर कोहली को आप आउट नहीं कर सकते तो भूल जाए आप कल का मैच जीत सकते, लेकिन विराट कोहली एक क्लास है, ठीक है। विराट कोहली नाम है, टोटल जो बैट्समैन के लिए क्वालिटी चाहिए उस चीज़ का नाम है विराट कोहली की बैटिंग देखने का। मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का। जीतने वाली फाइनल तो दो टीम्स का ही होगा, जो कि कल आप समझ लें कल वाला फाइनल ही है। कंसिस्टेंटली तकरीबन 10 मैचेस देख लें, सिर्फ दो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नो डाउट इंडिया, लेकिन सेकंड लास्ट जो है वो पाकिस्तान जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? उमेर अली। उमेर अली, आज का हमारा सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त एशिया कप के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी जा रही है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नो डाउट इंडिया, लेकिन सेकंड लास्ट जो है वो पाकिस्तान जा रही है। सेकंड पे पाकिस्तान जा रही है, तो आप लेकिन पाकिस्तान जो नंबर वन ओडीआई टीम है, तो फिर आप उसको क्यों कह रहे हैं कि वो सेकंड पे? उसका रीज़न ये है कि हमारे सिर्फ दो जो बैट्समैन है, आप पीछे कंसिस्टेंटली तकरीबन 10 मैचेस देख लें, सिर्फ दो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तीन लोग परफॉर्म कर रहे हैं टोटली, एक इमाम है, एक बाबर है और तीसरे हमारे सचिन। ठीक है, वाकई में। अच्छा, तो आप अगर कल की बात करते हैं तो कल के मैच में जो है इफ्तिखार चाचा ही और बाबर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो क्या लगता है कि यही परफॉर्मेंस जो है वो अगले मैचेस में भी होगी या नहीं? जी जी, ज़रूर होगी। बाबर के ऊपर, बाबर को पता है कि मेरे ऊपर बर्डन है, तो वो तो परफॉर्म ज़रूर करेंगे। उससे अच्छा जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर लें। उन्होंने लास्ट टाइम वो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस खेले हैं, वो सभी बेस्ट खेले हैं। ये पीछे जो इनिंग्स खेली हैं उन सभी में अच्छा खेले हैं। चाचा की परफॉर्मेंस कंटिन्यू बेस्ट चल रही है, वो तो ज़रूर परफॉर्म करेंगे। इमाम का डाउट है, इमाम पिछले एक दो मैचेस में चले हैं, बाकी कंसिस्टेंट नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन उनका डाउट है, इंशाल्लाह वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जिस तरह से सब मैदान में उतरे हैं, सारी टीम मैदान में उतरी है, आपके ख्याल में जीतने वाली टीम कौन कौन सी है? जीतने वाली फाइनल तो दो टीम्स का ही होगा, जो कि कल आप समझ लें कल वाला फाइनल ही है, और यही फाइनल होगा। कल वाला फाइनल ही है, मतलब आप कह रहे हैं कि कल वाला मैच जो है वो फाइनल मैच है? फाइनल मैच है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में कैसा मुकाबला होने वाला है? मैच तो डेफिनेटली देखने वाला होगा, सभी वेट कर रहे हैं, टीम्स भी इसके लिए काफी देर से तैयारी कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैच वन साइडेड हो जाएगा। मैच तो डेफिनेटली देखने वाला होगा, मजे का होगा, आवाम भी इसके लिए काफी देर से तैयारी कर रही है देखने के लिए, और सारी आवाम आपको पता है देखेगी। टीम्स के ऊपर भी बर्डन होता है, वो देख लें, आप सीरीज कर रही हैं कंटिन्यूसली, वो बड़ी देर से जो है टीम्स भी तैयारी कर रही हैं, तो मैच नो डाउट मजे का होगा, देखने वाला होगा। अच्छा, मुझे एक और मजेदार सी बात बताइएगा, हम लोग हमेशा देखते हैं विराट कोहली और बाबर आजम का बड़ा कंपैरिजन होता है, तो इस दफा अगर हम लोग देखें तो बाबर आजम और विराट कोहली जो है वो कितना परफॉर्म करेंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे, और क्या लगता है दोनों बैट्समैन को किस तरह से देखते हैं? दोनों बैट्समैन को देखें, हम उनका ना खेलने का, उनको देखने का नजरिया अलग है। विराट के ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है जो कि बाबर के ऊपर है, बाबर ने लेके चलना है पूरी टीम को, विराट को कैप्टनसी से भी हट गए, तो उन्होंने देनी है अपनी परफॉर्मेंस, और एक के ऊपर बर्डन और एक फ्री हैंड खेले तो डेफिनेटली दूसरा जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन बाबर पे भी पूरी उम्मीदें हैं, बाबर भी अच्छा खेलेगा, बाबर भी अच्छा खेलेगा। एज बैट्समैन आप विराट कोहली और बाबर आजम में क्या डिफरेंस देखते हैं? बाबर आजम और विराट कोहली, बाबर आजम जो है वो अभी तो नंबर वन बैट्समैन है, बेहतरीन बैट्समैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विराट कोहली एक क्लास है, ठीक है। विराट कोहली नाम है, टोटल जो बैट्समैन के लिए क्वालिटी चाहिए उस चीज़ का नाम है विराट कोहली की बैटिंग देखने का। मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का, और मैं नहीं चाहूँगा, अगर पाकिस्तान को जीतना है तो डेफिनेटली उन्हें विराट कोहली का आउट करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता वो जल्दी आउट करें, क्योंकि मैं खुद विराट की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं चाहूँगा वो परफॉर्म करें, अगर वो परफॉर्म करेगा तो मैच डेफिनेटली देखने वाला होगा जब दोनों टीम परफॉर्म करें। राइट। अच्छा, एक और बड़ा कंपैरिजन नज़र आता है मोहम्मद रिजवान और रोहित का, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में जो अगर T20 का कंपैरिजन है ना, तो उसमें तो रिजवान जो है वो बेहतरीन जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं हर मैच में, वो तो बाबर आजम से भी बहुत ज़्यादा मैचेज ऐसे कि वो बाबर आजम से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन वनडे में उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है ही नहीं, ठीक है। पिछले तकरीबन लास्ट 10 वनडे में मेरे ख्याल से उनकी एक सिंगल 50 है, तो वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इस हिसाब से भी तो उनका कंपैरिजन जो है वो नहीं बनता। और एज का रोहित शर्मा जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे कंसिस्टेंटली, वो भी डिफॉल्टर ही जा रहे हैं पिछले काफी मैच। तो अब आ जाते हैं हम अपने इफ्तिखार चाचा पे, और दूसरी तरफ जो है सूर्या कुमार यादव की बड़ी बातें हो रही हैं, उनके बारे में क्या? हाँ, हमारी जो बॉलिंग लाइन लेंथ है, अगर वो शहीन अफरीदी खेलते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो स्काई को खेलने नहीं देंगे, ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि स्काई खेलते हैं 360, आपको पता है उल्टी शाटे खेलते हैं, तो हमारे बॉलर्स के आगे तो उनकी नहीं चलेंगे। अच्छा। और जो चचे हैं उनकी इतनी बॉलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया की, तो वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको उनकी बैटिंग देखने का जैसे कि पहले मजा आता है बाकी टीम के खिलाफ, इस तरह इंशाल्लाह इस दफा मजा आएगा। आपकी तरफ से बॉलिंग लाइन की बात की गई है, बॉलिंग लाइन की तरफ आते हैं, शाहीन की बात बहुत की जाती है और दूसरी तरफ शामी की बात बहुत की जाती है, इनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, शाहीन और शामी का कंपैरिजन नहीं बनता,
शहीन एक, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि विराट एक क्लास है, इसी तरह शहीन एक क्लास है। शमी को वो बात नहीं है, शमी तो उसके कंपैरिजन में नहीं आता, बल्कि मेरी नज़र में तो बुमराह की भी वो क्लास नहीं है, क्योंकि उसके पास वो स्पेस नहीं है, वो पेस नहीं है, उसकी लाइन लेंथ अच्छी है जिसकी वजह से वो चल रहे हैं, लेकिन उसके पास यॉर्कर अच्छे मारते हैं, लेकिन शहीन शफरीदी की लाइन लेंथ बॉलिंग टोटल एज कम्पेरिजन जो मुकम्मल बॉलिंग के लिए चाहिए होता है एक बॉलर के पास, वो सभी क्वालिटीज़ है। तो शहीन शफरीदी जो है वो बेस्ट हैं, अगर वो खेलेंगे तो मैच तो डेफिनेटली देखने वाला होगा ना। अच्छा, अब हम लोग ना टोटली बॉलिंग लाइन पर बात करने वाले हैं। आपकी तरफ से नाम लिया गया बुमराह का, उसके साथ साथ जो है एक उनके अक्षर पटेल हैं, एक उनके साथ पांडे हैं और एक उनके जो है वो क्या नाम है शामी है, ये चार उनके बॉलर्स हैं। इधर इस साइड पे आ जाए तो हमारी बॉलिंग, हमारे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार की जो हैं बॉलर्स हैं, तो ओवरऑल बॉलिंग का कंपैरिजन करेंगे तो कैसा है? ओवरऑल अगर बॉलिंग का कंपैरिजन देखा जाए तो वो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो है, आपको पता है कि वो तो उन्होंने शुरू से लोहा मनवाया बॉलिंग में, हमारे पास दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स हमेशा से रहे हैं, और इस दफ़ा भी आप देखें हमारे पास बेस्ट बॉलर हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। नसीम शाह हो गया, शहीन शाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, डेड ओवर्स बेस्ट निकालते हैं, तो हमारे पास बॉलर्स की कमी नहीं है। शदाब खान बेस्ट स्पिनर्स हैं, तो बॉलर्स हमारे डेफिनेटली उनसे बेस्ट हैं। अक्षर पटेल उनके अच्छे बॉलर हैं, जो कि मैंने देखा कि बाबर आजम को उनके खेलते हुए काफ़ी दफ़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो अक्षर पटेल को अगर वो अच्छा खेल लेंगे तो बाबर आजम डेफिनेटली एक लंबी और अच्छी इनिंग आपको दिखा सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे, पाकिस्तानी टीम को कुछ कहना चाहेंगे एशिया कप से रिलेटेड? जी, एशिया कप के लिए रिलेटेड यही कहना चाहूँगा कि तैयारी आपने अच्छी की है, लेकिन अगर आपने जीतना है एशिया कप या कल का मैच हमें लें, जैसे कि मैंने आपको वो फाइनल है, अगर आपको जीतना है तो आपको उसके विराट को आउट करना पड़ेगा, अगर विराट आउट नहीं होते तो आप समझ लें कि आप कल का मैच कभी भी नहीं जीत सकते, चाहे आपकी बैटिंग बॉलिंग लाइन जो है वर्ल्ड बेस्ट है, लेकिन अगर कोहली को आप आउट नहीं कर सकते तो भूल जाएँ, आप कल का मैच जीत सकते।